अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज का पहला कमेंट है, ये पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल अमाउंट यू टेल एट द एंड ऑफ योर वीडियो एंड व्हाट वुड इट विल बी इफ यू हैव बॉट 100% कैश। टू बी डायरेक्ट द क्वेश्चन, इफ आई इन्वेस्ट 150-200,000 दिरहम्स इन कैश एंड वर्क ऑफ 12 आवर्स डेली, what average income should I expecting? Thank you for always stay blessed. Very informative channel. तो जी अगर आप 1.5-2 लाख दिरहम लगा के 12 घंटे ड्यूटी करना चाहते हो तो भाई आप 1.5-2 लाख दिरहम ना लगाएं, क्योंकि इसमें टाइम अगर आप पहले ही बंक कर देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कमा सकते। हमेशा माइंड बना के आए, अगर लेमोजिन में काम करना चाहते हैं तो जब तक काम मिल रहा है उतने देर तक काम करते रहने का, 12 घंटे ना करें काम, ना आए इस फील्ड में अगर आप 12 घंटे के टाइम पीरियड रख के आ रहे हैं। सहालत लेमोजिन कंपनी, ठीक है भाई, मैंने तो ये नाम ही आपसे पहली दफा सुना, सहालत लेमोजिन कंपनी, माशाल्लाह गुड कंटेंट भाई, थैंक यू सो मच। आरएसएल लेमोजिन कैसी है? बहुत अच्छी कंपनी है जी, आरएसएल रॉयल स्मार्ट लेमोजिन दोनों ही अच्छी कंपनी है। दुबई बेस्ट बैटरी कौन सी है? दोनों ही अच्छी कंपनी है, वो मैंने बता दी, दोनों ही बेस्ट कंपनियां हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले भी कमेंट किया है लेकिन रिप्लाई नहीं आया। सर मेरे पास लाइसेंस है, मैं लेमोजिन में जाना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। रेंट पे जाके कंपनी से गाड़ी लेता हूँ तो खर्चा कितना खर्चा हो जाएगा? टाइम लग जाता है या आरटीए प्लस वीजा और गाड़ी मिलने तक? थैंक यू भाई। रेंट पे गाड़ियां जो कंपनी देती गाड़ी देती है वो हमेशा जिनका लाइसेंस बना हो, जिनका आरटीए कार्ड बना हो, उनको हायर करते हैं, नए बंदे को हायर नहीं करते हैं। क्यों आपके ऊपर वो रिस्क लेंगे कि 5-6 महीने वो आपका वेट करें तो फिर आपको आरटीए कार्ड भी लेके दें तो फिर उनके लिए आप कापड़े। यहाँ पे लोग आरटीए कार्ड और लाइसेंस के साथ मिल जाते हैं तो वो उन्हीं ड्राइवर को रख लेंगे और उन्हीं को जॉब दे देंगे, जो फौरी तौर पे उनका बिजनेस भी रन होना शुरू हो जाएगा। सर टू ड्राइवर्स मिलके 30-35,000 इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, अगर दो इन्वेस्टर मिल जाएं 35-35,000 दे के तो दो वीजे ले सकते हैं, मतलब आधी इन्वेस्टमेंट वो कर दें और आधी इन्वेस्टमेंट आप कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, इज इट ओके इफ वी विल पे 50% फॉर 1% एज डाउन पेमेंट इफ PL LLC रेस्ट अदर अमाउंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग व्हीकल्स? यार ये जो बड़ी कंपनियां होती है ना, ये कहती है कि हमने जो कह दिया, हमने जो पॉलिसीज बना दी बस बना दी, अगर उस पर अमल करोगे तो ठीक है गाड़ी ले लो, नहीं लेनी तो कहीं और से जाके ले लो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लाइन लगी हुई है लोगों की, तो वो जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती हैं तो उसको फॉलो करना ही पड़ता। लेकिन जो छोटी कंपनियां होती हैं वो 100 तरह की लचक दे देती हैं ताकि उनके पास कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई गाड़ी बिक जाए उनकी। तो बड़ी कंपनियों में जो रिक्वायरमेंट है, जो रॉयल स्मार्ट है वहां पे तो आपको 10% पे भी मिल जाएगी गाड़ी यार, तो आप पीएल में 15% के लिए क्यों कह रहे हो? थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच भाई। यू नॉट वेयर यूनिफॉर्म मस्ट टेल मी प्लीज। भाई मेरे कपड़े धोने वाले हैं जो यूनिफॉर्म के हैं, तो इसलिए नहीं पहने, इसलिए ये वाले कपड़े पहने। जब टाइम मिलेगा किसी दिन जल्दी चला जाऊंगा तो कपड़े वॉश कर लूंगा तो फिर यूनिफॉर्म ही पहनूंगा, वरना अगर कोई आरटीए वाला चेक कर लेगा तो फाइन देगा डायरेक्ट। सलाम, योर वीडियो कंटेंट इज गुड एंड रियलिस्टिक। आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज इट गुड आइडिया टू हायर ड्राइवर्स इफ आई ओनली वांट टू वर्क विद होटल्स एज यू सेड व्हीकल लाइक GMC ETC आर गुड फॉर होटल्स, सो कैन वी रियल rely on drivers? I want to work as investor, waiting for your reply and I will appreciate if you make a complete video on this topic. Limousine में GMC का काम बहुत ही अच्छा है, और GMC लेके अगर काम करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कंपनी है और वो है प्राइवेट लेमोजिन, PL लेमोजिन। तो अगर आप एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं PL लेमोजिन में, आपको GMC लेके देनी है ड्राइवरों को, तो मेरे भाई पहले आप खुद अगर काम इस फील्ड में आए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं आएंगे, रिटर्न करने वाला नहीं है कोई गाड़ी को, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर अप्लाइंग, यू आर ऑलवेज वेलकम। जनाब इतनी तफसील बताई है तो सैलरी भी सबके सामने बता दें, वो क्यों छुपा रहे हैं? अरे भाई
पूरी बात तो सुना करो, पूरी वीडियो देखा करो, उससे नेक्स्ट वीडियो मैंने पूरी सैलरी के ऊपर बेनिफिट्स मिलेंगे उसके ऊपर बनाई है। मतलब आधी वीडियो देख के तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोशिश करो कि पूरी वीडियो देखो शुरू से लेके एंड तक ताकि आपको पूरी बात समझ आए। उसमें मैं वीडियो में मैंने कहा था कि कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि कितनी सैलरी होगी और क्या बेनिफिट होंगे। माशाल्लाह शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको और कामयाब करे। थैंक यू सो मच जी सर, थैंक यू फॉर सो मच, आपने जवाब दिया मेरा पहला कमेंट का भी। आप बिजी हैं आजकल, लेकिन बड़ी मेहरबानी होगी कि प्लीज टाइम निकाल के और मेरे ईमेल रीड करके अपना कॉन्टेक्ट सेंड कर दें। आपसे मिलना है फेस टू फेस या फिर अपनी लोकेशन बताइए, मैं मिलने आपसे आता हूँ। आपके साथ जॉब के बारे में बात करनी है। थैंक्स इन एडवांस, यू आर सो सिंसियर पर्सन, अल्लाह कामयाब करे। वेटिंग फॉर योर कॉन्टेक्ट एंड मीट एज सून एज पॉसिबल। भाई मैंने जितनी भी ईमेल्स थी सबको रिप्लाई कर दिया, कम से कम आप भी अपनी ईमेल देख लें, आपको रिप्लाई आ गया होगा। दुबई टैक्सी छोड़ने के बाद 2 साल की पाबंदी क्यों होती है, रीजन बताएं। पाबंदी इसलिए होती है जी कि वो आपको वीजा देते हैं, आपको ड्राइवर तैयार करते हैं। पाबंदी इसलिए होती है जी कि ये कंपनियां जो टैक्सी वाली कंपनियां होती हैं, ये बंदों को वीजे देती हैं, फ्री में वीजे देती हैं, फ्री में उनका लाइसेंस बनवाती हैं, फ्री में उनका आरटीए कार्ड बनवाती हैं, हर तरह की उनको टाइम, उनको स्टार्टिंग में अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब इनका वीजा यूज कर लिया, टैक्सी कंपनी का लाइसेंस बनवा लिया, इनसे आरटीए कार्ड बनवा लिया, तो वो जी करते हैं कि जी अब हमारा मतलब पूरा हो गया, तो हम मुंह उठाएंगे और चले जाएंगे किसी दूसरी जगह पे काम करने के लिए, या लेमोजिन में या किसी भी और जगह पे ऊपर तो काम कर लेंगे। और टैक्सी वाली कंपनी ने जो आपके ऊपर पैसा लगाया था, मतलब अगर आपने कटवा भी दिया, स्टार्टिंग में आपके पास पैसे नहीं थे, बाद में आपने पैसे कटवा दिए, अपनी सैलरी में से कटवाई, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर मेहरबानी की कि आपका लाइसेंस बनवा के दिया, आपको वीजा भी दिया, आपने उनका वीजा भी यूज कर लिया, उनका जो पैसा उन्होंने आपके ऊपर लगाया था वो भी यूज कर लिया, तो कम से कम इतना राइट तो बनता है उनका कि अगर आपने उनकी सारी चीजें यूज कर ली तो फिर भी आपको वो लोग कहते हैं कि जी ठीक है आप वीजा कैंसिल करके चले जाओ, लेकिन 2 साल का बैन तो रहेगा आरटीए कार्ड के ऊपर, ना ही दूसरी टैक्सी कंपनी में जा सकते हो क्योंकि हमने आपके ऊपर स्टार्टिंग में पैसे लगाए थे, दूसरी कंपनी ने नहीं लगाए थे, तो हम 2 साल तक आपको एनओसी नहीं देंगे आरटीए का, 2 साल के बाद सिस्टम से खत्म होगा तो फिर आप जाके काम कर सकते हैं किसी और जगह पे। हॉट 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 हॉट, थैंक यू सो मच, मतलब हॉट भेजे में किसी कमेंट्स में, तो वो बता रहा हूं। सर दिरहम आप बना रहे हो, मजा हमें आ रहा है, थैंक यू सो मच। भाई आप भी आ जाओ यहाँ पे, आप भी आके, मैं अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप भी आके यहाँ पे दिरहम्स बनाओ और आप भी मजे लो, दिरहम बना के भी लो मजे और देख के भी मजे लो। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हर जगह लोगों को अच्छा मशवरा तो दे रहे हो कम से कम, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, गाड़ी की बुकिंग जब की जाती है तो कितनी पेमेंट देनी पड़ती है, और जब गाड़ी रिसीव हो जाती है तो कितनी पेमेंट दी जाती है अच्छी कंपनीज में? स्टार्टिंग के ऊपर आरएसएल में करेंगे तो 29,000 में गाड़ी बुक हो जाएगी, और जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस है वो जब गाड़ी आ जाएगी तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 70,000 से 80,000 दिरहम होना चाहिए आपका वीजा और आरटीए कार्ड के सब पैसे बीच में मिला के, ये बात कर रहा हूँ 70,000 से 80,000 दिरहम। ब्रो माई सैलरी इज 4,000, शुड आई गो टू लेमोजिन बिजनेस, प्लीज बताना। भाई अगर 4,000 दिरहम ले रहे हो तो फिर लेमोजिन कंपनी में क्यों जाना जाते हो? अच्छा खासा काम है, संडे की छुट्टी भी होगी, यहाँ पे तो छुट्टी भी कोई नहीं है, और फिर ड्यूटी का 12-14 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। अगर 4,000 बैठे बिठाए ले रहे हो सैलरी, तो मेरा मशवरा है कि पहले वो काम अगर आपको देख लो कि वो उस काम में ग्रो कर सकते हो कि नहीं, तो फिर कोई डिसीजन लो। इसमें ये सोच के आओ कि इसमें आपको छुट्टी नहीं मिलेगी और ड्यूटी भी जो है 12-14 घंटे करनी पड़ेगी, ये सोचिए, कोई छोटी बात नहीं है बगैर छुट्टी के काम करना। हफ्ते में कोई ब्रेक नहीं, महीने में कोई ब्रेक नहीं, साल में सिर्फ जब आप छुट्टी जाओगे तो वही आपका ब्रेक है, लेकिन ये है कि पैसा अच्छा खासा बनेगा, कल को अपनी गाड़ी लोगे तो अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। और फिर वो 3-4 मैसेजेस हैं इनके जो 4,000 सैलरी वाले, तो सबका एक ही आंसर है यार, भाई आपको मेल की है काइंडली रिस्पांस कर दे। भाई मैंने सब ईमेल्स का रिस्पांस कर दिया है, आप अपनी मेल चेक करें, रिप्लाई आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू, आई एम वर्किंग एज ए मैकेनिकल इंजीनियर एंड माय सैलरी इज वेरी लो, बट आई वांट टू डू दिस लेमोजिन बिजनेस,
इज इज राइट डिसीजन और नॉट, गिव मी सम आइडिया ब्रो। अगर आपने स्टडी की है, मैकेनिकल इंजीनियर बन गए हो, तो आज सैलरी कम है, तो कल को हो सकता है कि आपको किसी अच्छी कंपनी में जब एक्सपीरियंस हो जाए तो सैलरी अच्छी हो जाए। जब पढ़ाई की है, एक जब मैकेनिकल इंजीनियर भी बन गए हो, तो आने वाले दिनों में तरक्की हो जाएगी। अपनी लाइन अब चेंज ना करो, जब जिसने में आपने इतना टाइम लगा के पढ़ा, मेहनत की, तो अब क्यों लाइन चेंज कर रहे हो यार। यू मेक ए वेरी गुड वीडियो, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सलाम भाई, दुबई में एक्सकुलेटर ऑपरेटर का कितना सैलरी है प्लीज बताइए? 3500 दिरहम से लेके 4500 दिरहम तक सैलरी है जी, जो ये ऑपरेटर्स होते हैं मशीनों के, तो अच्छी खासी सैलरी है। अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए तो ड्यूटी भी आपकी जो है वो ज्यादा नहीं होती है, ओवर टाइम भी देती हैं कंपनियां फ्री में। फ्री में आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी, फ्री में आपके वीजा भी फ्री में मिलेगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एस्केलेटर ऑपरेटर का या जितनी भी मशीनरी होती है उसके ऑपरेटर की, बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले न्यू वीडियोस के लिए देखते रहिए शहबाज हुसैन द वर्ल्ड। कीप वॉचिंग।